हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फतकुला की सब्जी। इसे हम फतकुला भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको डोड़का भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ ये आधा किलो फतकुला लिए हैं और मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के आलू इसमें काट के डाले हैं और इसको अच्छे से धो के छील के काट के साफ कर लिया है मैंने इसको। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे और हमें चाहिए है 2 प्याज मैंने काट के रखे हैं बारीक, और 3 से 4 हरी मिर्च और 6-7 कली लहसुन की, वो भी मैंने काट के रखी हैं। और ये टमाटर मैंने एकदम क्रश करके रखा है, बिल्कुल बारीक काट के मैंने चॉपर में किया है। तो आप भी इसी तरीके से पीस के भी डाल सकते हैं हम टमाटर को। और मसाले मैं आपको डालते टाइम बताऊंगी कितना डालना है। चलिए हम शुरू करते हैं। कुकर में बनाऊंगी मैं इसको। तेल डाल देंगे हम सबसे पहले, कुकर गर्म हो गया है तो मैं सरसों तेल यूज कर रही हूँ बनाने के लिए। तो लगभग मैंने 4 टेबल स्पून तेल डाला है जिससे हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, तेल में हम जीरा डालेंगे और हम लहसुन और मिर्ची डाल देंगे। और अब हम ये प्याज डाल देंगे क्योंकि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो लहसुन फ्राई हो गई है, मिर्ची भी फ्राई हो गई, तो हम प्याज डाल देंगे। अच्छे से भूनेंगे। अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी भुन जाएगी। एकदम थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और हम इसको अच्छा सा ब्राउन करके भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। ये जो मैंने नमक डाला था उससे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा प्याज को फ्राई करने में। लगभग 2 मिनट में प्याज एकदम रेडी है फ्राई होके। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है। और 1/2 चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे अपनी सब्जी के हिसाब से। तो यहाँ मैंने लगभग 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। और अब इसको हम मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो हमने टमाटर क्रश करके रखा था ये भी डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर डाल के मैंने इसको लगभग 2 से 3 मिनट इसी तरह चलाते हुए अच्छे से भून लिया है हाई फ्लेम पे। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने फतकुला और आलू को। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस इसको थोड़ा देर हम भूनेंगे लगभग 2 मिनट इसी तरीके से। ये देखिए लगभग 2 मिनट मैंने 3 मिनट करीब इसको ऐसे ही हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है और इसमें पानी आप देख सकते हैं कितना निकल आया है अपने आप ही। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के पका देंगे अच्छे से। ढक्कन लगा के हमें बस एक ही सीटी लगाना है, 1 या 2 सीटी में आराम से पक जाएगी ये। तो देखिए 2 सीटी मैंने ले ली थी इसलिए मैंने इसकी सीटी निकाल के खोल लिया है। 1 सीटी में भी ये पक जाती है। फतकुला में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है ये देखिए। तो अगर आपको और गाढ़ा सब्जी पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा और खोल के पका लीजिए। वैसे सब्जी रेडी है तो अब हम इसमें ऊपर से धनिया पत्ती डाली। सब्जी रेडी है। अगर आपको पानी अच्छा नहीं लगता है इसका तो आप इसको खोल के आराम से पका सकते हैं और एकदम ये गाढ़ी बन जाती है। तो जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए सब्जी रेडी है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।